हेलो दोस्तों, रवि स्वीकृति ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको ले चल रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन की ओर जिसका नाम है केशकाल घाटी। जी हाँ, केशकाल घाटी एक बस्तर का एक खूबसूरत वनांचल है और ये धमतरी से लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जी हाँ, कांकेर के बाद ये घाटी शुरू हो जाती है और ये घाटी काफ़ी घनी और काफ़ी गहराई से भरी हुई है और इसमें प्रकृति की काफ़ी अद्भुत छटा आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर एक रोड जो काफ़ी तोड़ मरोड़ तरीके से जिग जैग मोमेंट पे गया हुआ है और ये रोड आप ऊपर से नीचे की ओर देख सकते हैं, काफ़ी घुमावदार रास्ता है और इससे घाटी काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है। जी हाँ, पेड़ पौधे से लदे हुए इस प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देख कर ही मन गदगद हो जाता है। जी हाँ, जब हम सफ़र पर निकलते हैं तो इस घाटी में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है और जब हम इस घाटी से गुजरते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी एक घने जंगल के बीचों बीच फंसे हुए हैं और हमें प्रकृति की सारी ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ कितनी आसानी से वहाँ गुजर रही है। ये घाटी का रोड जो अभी अभी निर्माण हुआ है और इसमें काफ़ी सुगम तरीके से काफ़ी धीरे और काफ़ी सावधानी के साथ गाड़ियों को चलाना होता है। इसमें हम ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ सकते, हमें दूसरों को भी रास्ता देना होता है। आप देख सकते हैं दो ट्रक्स आपस में जो है एक दूसरे को रास्ता देते हुए आगे निकल रहे हैं। वैसे तो केशकाल घाटी में हमें काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला और जब हम इस घाटी को क्रॉस कर रहे थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा सुखद अनुभव हो रहा था। काफ़ी हल्की ठंड महसूस हो रही थी और इसे देखकर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। और जब आप इस घाटी से गुजरेंगे तो आपको कई सारे दृश्य देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको कई जानवरों से रूबरू होना पड़े, हो सकता है आपको कई पेड़ पौधे औषधियाँ यहाँ पर मिले। जी हाँ, ये बस्तर का वनांचल काफ़ी घना और काफ़ी प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ है। इसमें कई सारे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, कई सारे प्राचीन पत्थरें आपको मिलेंगी जो आपको रिसर्च के लिए भी काफ़ी काम आती है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग रिसर्च के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और इस केशकाल घाटी के बारे में बहुत सारे व्लॉग्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। उन सारे वीडियोस को अगर हम देखें तो उसमें यही निष्कर्ष निकलता है कि ये सारी केशकाल घाटी अपने आप में एक जादुई करिश्मा है, कुदरत का जादुई करिश्मा हम कह सकते हैं। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमें प्रकृति की और नज़दीक ले जाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आपको इस घाटी के खूबसूरत घने जंगलों का मज़ा लेना है और इसमें गुजरे हुए रोड का आपको मज़ा लेना है तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा कि आप बस से या फिर बाइक से या फिर कार से जाएं और यहाँ पर पहुंचकर आप एक एक चीज़ को एनालाइज करें, देखें, समझें और प्रकृति को और करीब से जानें। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा, ये खूबसूरत पहाड़ियाँ, ये घने जंगल और वहाँ से सूर्य की रोशनी हमें काफ़ी ज़्यादा सुखद अनुभव दे रही है, हमारे आँखों को काफ़ी सुकून दे रही है। जी हाँ, जब आप यहाँ से गुजरेंगे, चाहे सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त हो, आपको यहाँ पर प्रकृति का अलग अलग रूप देखने को मिलेगा जिससे आपका मन गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस घाटी में अपने आप में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं और जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये घाटी बनाई कैसे गई है, बनी कैसे और इसका पीछे क्या हिस्ट्री है, इसके बारे में भी लोग काफ़ी ज़्यादा जानने में उत्सुक हैं। ये घाटी इतनी मजबूत तरीके से टिकी हुई है, ये घाटी आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है और ऊपर से नीचे की ओर ले आती है और ये जिग जैग मोमेंट में है। ये घाटी अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत करिश्मा है। Thank you.
इस घाटी में आप देख सकते हैं काफी घुमावदार मोड़ हैं और जिसमें काफी सावधानी से हमें गाड़ियों को मोड़ना होता है, बस हो चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, काफी सावधानी से हमें मोड़ना होता है। आप देख सकते हैं सड़क कितनी ऊपर की ओर जा रही है और नीचे की ओर आ रही है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा, कितना खूबसूरत मनोरम दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है केशकाल घाटी की। उम्मीद है ये आप इस केशकाल घाटी का जब लुत्फ़ उठाएं और इसके मनोरम दृश्य का जब लुत्फ़ उठाएं तो इसके सारे पिक्चर्स अपने आप में काफ़ी विश्वसनीय हैं, काफ़ी छत्तीसगढ़ के मान को और आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं दलपत सागर झील, जो आप देख सकते हैं दलपत सागर झील, काफ़ी खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों हमारा व्लॉग केशकाल घाटी के ऊपर और दलपत सागर झील के ऊपर। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।